अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका गीज़र ऑन है और गीज़र पानी भी गर्म कर रहा है लेकिन आपके घर के अंदर जो है टैप्स में गर्म पानी नहीं आ रहा, तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि इससे आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। गीज़र के रिलेटेड और भी इश्यूज़ की वीडियो जो है वो चैनल पर मौजूद है, आप चैनल विजिट करके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अब आज की टॉपिक की वीडियो जो है शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये जो पाइप है ये गीज़र के अंदर जो है पानी आ रहा है, इस पाइप से फ्रेश वाटर की सप्लाई है, इसलिए इस पर वाल लगा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ जो दूसरा पाइप है, ये जो पाइप है इससे जो है गर्म पानी की सप्लाई जो है वो घर के अंदर जा रही है। अगर आपका ये इशू हो कि आपको गर्म पानी की सप्लाई घर में ना मिल रही हो, तो आपने सबसे पहले जो है आके सेफ्टी वाल्व खोलना है, लेकिन उससे पहले आपका गीज़र बंद होना चाहिए, इसका पानी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर इसका पानी गर्म होगा तो वो आपके ऊपर पड़ेगा, तो फिर आप जल भी सकते हैं। इसलिए आपका गीज़र बंद होना चाहिए और पानी इसके अंदर जो हो वो ठंडा होना चाहिए। अब सबसे पहले आपने जो है इसकी जो चटकनी है ये उठानी है। अगर बीच में से पानी निकल रहा हो, ये देखें, लेकिन बाद दफ़ा क्या होता है कि ये जैम हो जाता है, क्योंकि चल चल के इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो हार्ड हो जाता है, तो ये जो है ये चटकनी जो है ये उठ नहीं रही होती। तो उस सूरत में आपने इसका ये जो यूनियन लगा हुआ है इस पाइप के साथ जो दोनों को कंबाइन कर रहा है ये यूनियन, इसको खोलना है। इसको खोलने से इसके अंदर की सारी जो एयर है वो निकालनी है, ठीक है। और जब पानी आना शुरू हो फिर आपने इसको बंद करना है, लेकिन इसको खोलने से पहले हम फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है वो बंद करेंगे। ये जो हमारा वाटर का फ्रेश वाटर का सप्लाई है इसको हम बंद करेंगे। आए अब यूनियन खोलते हैं। आपने एक रेंच ले लेना है और रेंच के साथ जो है आपने यूनियन खोलना। ये देखिए, यूनियन खोल दिया अब हमने। अब हमने जो है गीजर को इससे इस पॉइंट से अलग करना है। ये देखिए, ये अब अलग हो गया इस पॉइंट से। अब इसके अंदर जितनी भी एयर है वो गीजर के अंदर जो बनी हुई है वो बाहर आ जाएगी। 1 से 2 मिनट आपने रुकना है। उसके बाद आपने ये जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है जो गीज़र के अंदर हो रही है ये खोल के देखनी है कि वहाँ से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए, मैं टैप ये जो वाल है ये खोलने लगा हूँ और उधर से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। ये देखिए पानी इंक्रीज होगा। ये देखिए, इसका ये मतलब है कि घर के अंदर जो है वो पानी की सप्लाई जा रही है। यूनियन बंद करने से पहले आपने घर के अंदर कोई भी जो गीज़र का वाल हो जिसमें गर्म पानी आता हो वो खोल लेना है, ताकि क्योंकि जब हम वो फ्रेश वाटर की सप्लाई खोलेंगे तो उससे जो है जब पानी का प्रेशर होता है तो दोबारा इसके अंदर एयर आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो वो एयर जो है एक दफ़ा जब वाल खुला होगा वहाँ से निकल जाएगी और एक दफ़ा घर में पानी रनिंग में आ जाएगा, तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा कि अंदर जो इसकी एयर बिल्डअप हो। अब हम ये यूनियन लगाने से पहले वाल खोलते हैं। ये जो वाल है ये गीजर पे है, ये हम खोल लेंगे। ये देखें, ये पानी स्टार्टिंग में तो स्पीड से आ रहा था लेकिन अब वाल बंद है तो अब पानी रुक गया। और ये जो है फ्रेश वाटर की सप्लाई है। ये देखिए, आपने इसको इसका जो मुंह है वो इसके अंदर प्रेस करके फिर ये यूनियन लगानी है। अब हम रेंच के साथ इसको टाइट कर लेंगे।
देखिए ये अब टाइट हो गया और इसमें से पानी आना भी बंद हो गया। ये यूनियन टाइट हो गया, अब इसमें से पानी लीक नहीं हो रहा। आए अब हम फ्रेश वाटर की सप्लाई खोलते हैं। दिखाओ अब तो। ये देखें ये जो गीजर का वाल्व है इसमें से जंग लूट पानी निकल रहा है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि ये एक बार रनिंग में आ जाए पूरे घर में और इसके अंदर जो भी एयर है वो खारिज हो जाए। अब हम ये वॉल बंद कर लेंगे क्योंकि पानी जो है वो सर्कुलेशन में आ गया। देखिए उम्मीद तो है कि ये यूनियन खोलने के बाद आपके घर के अंदर जो गर्म पानी सप्लाई है वो शुरू हो जाएगी। इन केस अगर नहीं होती तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है कि हम लोग जो है हम लोगों के घर में जो है ये राइट साइड पे नो रिटर्न वाल लगा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए हमने इस साइड पे लगाया हुआ है। जिन घरों में पानी का इशू हो कि गर्म पानी की सप्लाई घर में ना हो रही हो तो उनका काम है कि जो नो रिटर्न वाल है ना ये यहाँ से निकाल के इसको लेफ्ट साइड पे जहाँ से घर के अंदर सप्लाई हो रही हो वहाँ लगा दें क्योंकि इससे जो है पानी गर्म पानी जो है वो बैग नहीं मारेगा और इसकी जो डायरेक्शन है वो एक तरफ ही रहेगी अंदर की साइड पे, वो पानी वापस नहीं आएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।